स्पेशल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान के कोटा में मेरी मौजूदगी है। पांच राज्यों में विधानसभा की चुनाव है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुन चुन कर नेताओं पर वार किए जा रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में करप्शन को सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए शिवराज सरकार पर हमला बोल रही है, तो राजस्थान जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर अशोक गहलोत के करप्शन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि वो एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वहां की जनता के पैसे को लूटने की कोशिश में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ताबड़ तोड़े के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आए हैं, बीजेपी काफी आक्रामक होकर महादेव घोटाले का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है और चुनाव नजदीक हैं, इस वजह से बौखलाई हुई बीजेपी इस तरह से ईडी को हथियार बनाकर हमको परेशान कर रही है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या वास्तव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन राज्यों की जनता वोट करने के लिए जाएगी? आपको बताते चले, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन दो चुनावी बड़े खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक तरफ अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से आज नामांकन भर दिया क्योंकि राजस्थान में नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख थी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कल छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर होना है मतदान। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उसके बाद 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दूसरे अन्य 10 सीटों पर वोटिंग करेगी। जनता फैसला करेगी, किस्मत तय करेगी, भूपेश बघेल क्या वापसी करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो जाएगी जैसा कि वो दावा कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई में इस वक्त कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कैसे एक दूसरे को पटखनी देने में लगी हुई है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता बोले महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, किसान कारोबारी मुद्दा, मगर नेता बोले अब की बार बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना। जहां कांग्रेस होगी वही भ्रष्टाचार होगा। सब मेवा खाने वाले परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जनता से इनको कोई सपोर्ट मिलता नहीं। रैलियों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, इंटरव्यू से लेकर बयानबाजियों तक, हर दल एक दूसरे दल के ऊपर भ्रष्टाचार के धारदार प्रहार में जुटा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी के आरोप हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर कांग्रेस के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर बीजेपी आरोपों की छड़ी लगाए बैठी है, तो तेलंगाना में टीआरएस एमआईएम की सरकार पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल आरोपों के वार कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पर दोहरा वार कांग्रेस पार्टी झेल रही है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़। बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार के प्रहारों की कमान खुद पीएम मोदी ने थाम रखी है। पीएम राजस्थान में लाल डायरी में काली करतूतों से लेकर कट कमीशन करप्शन तक के वार कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर एटीएम वाले वार से लेकर छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन पर 30% कक्का और सट्टे की सत्ता वाले आरोप लगा रहे हैं। जानते हैं कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। इलेक्शन में करप्शन और कमीशन वाले प्रहारों का फायदा कांग्रेस ने कर्नाटक में उठाया है, ऐसे में 40% कमीशन का हिसाब मध्य प्रदेश आते आते 50% कमीशन वाले वार में बदल चुका है। घोटाले के बारे में मध्य प्रदेश बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले स्थान पर। कमलनाथ का मॉडल है
क्राइम का मॉडल, कमीशन का मॉडल और करप्शन का मॉडल, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। इन लोगों ने जो 5 साल में किया है राजस्थान के साथ, वो भगवान करे किसी राज्य को ऐसा न देखना पड़े। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता है कि उसको आने वाले समय में नौकरी रोजगार मिल जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच करप्शन वाला खेल चल रहा है। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले से लेकर परीक्षा पर्चा लीक घोटाला और लाल डायरी से लेकर हवाला कांड तक करप्शन के तमाम आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस कहती है ये ईडी के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश है। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के जो दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार ने गिराने, सरकार बनाने, फोर्स ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इधर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, लेकिन जहां दोनों दल सत्ता से बाहर है वहां दोनों मिलकर टीआरएस पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन के आरोप लगा रही है। कालेश्वरम मेटीगड्डा प्रोजेक्ट जो सिंक हुआ, इससे पहले हर मरता अमित शाह आता था, केंद्र के हर मिनिस्टर आता था, इसमें घोटाला हुआ। आज बोल रही है इरेगुलरिटी है, अभी करो, इससे पहले आप कुछ नहीं करे। करप्शन के इतने आरोपों और वार पलटवार के बावजूद जब सियासी पंडित जनता के सियासी मूड की पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि करप्शन का मुद्दा नेताओं का मुद्दा है। जनता के लिए बेरोजगारी, महंगाई, किसान, कारोबार, सुशासन ही बड़े मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर ईवीएम के बटन भी दबेंगे। आज तक ब्यूरो। सवाल बड़े ये पूछे जा रहे हैं, क्या करप्शन का मुद्दा अपनी चुनावी सुविधा के तौर पर उठाया जाता है या वास्तव में यहाँ पर ईडी सीबीआई अपना कामकाज करती रहती है लेकिन जैसे ही नजदीक आते हैं जिसके खिलाफ एक्शन होता है वो लगातार बयानबाजी करने के लिए आगे आ जाता है, या फिर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से कि दरअसल चुनावों के मद्देनजर जानबूझकर विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश है, या फिर बीजेपी जो बता रही है कि ये नेता विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कांग्रेस के, इस वजह से ये ताबड़तोड़ एक्शन है और इस पर हायतौबा मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रशीद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी, आरएसएस के जानकार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत तक लगातार उन लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कमजोर हो गई है इन राज्यों में, इस वजह से ईडी और सीबीआई को हथियार बनाकर एक्शन करवाया जा रहा है, नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठा रही है रैलियों में वो वास्तव में जनता के भीतर असर करेगा और उस पर वोट पड़ेंगे? गौरव भाटिया जी, और विपक्षी नेताओं के आरोपों पर भी जवाब। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए आप देखेंगी कैसे मध्य प्रदेश में पुनः ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। राजस्थान में तो हालत यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा एक वीडियो आया था जिसमें कमलनाथ कह रहे थे कपड़े फाड़ने हैं तो जाके दिग्विजय सिंह के फाड़ो, और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने मंच से सुनाया कमलनाथ को कि कपड़े तो आपके ही फटेंगे। आप मुझे बताइए, जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं वो जनता की सेवा क्या करेंगे? और प्रधानमंत्री जी ने बताया मध्य प्रदेश को भी जनता को लूट कर ये चाहते हैं एटीएम बन जाए कांग्रेस पार्टी की तिजोरी भरने के लिए, जो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था। आप सोचिए बौखलाहट कितनी है, डर कितना है। एक मंच से रैली में कहते हैं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल को अदानी चला रहे हैं और अदानी बता रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार करना है सरकार में। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने सच्चाई अपने मुंह से उगल दी, क्या ये सत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ में दूसरी बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, झूठे वादों की है। झूठे वादे क्या है? मैं अपने हाथ में कांग्रेस का पिछला मैनिफेस्टो 2018 का लेके बैठा हूं,
इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, क्या इन्होंने करी? उत्तर है नहीं। इन्होंने कहा शासकीय कर्मचारियों को हम सम्मान देंगे और नियमितीकरण करेंगे, क्या इन्होंने करा? नहीं करा। इन्होंने ये भी कहा था कि महिलाएं जो हैं उनका सहायता समूह का सशक्तिकरण एवं पूर्ण कर्जा माफी करेंगे, करा? नहीं करा। और गंगा जल की कसम लेके इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा पूरा माफ कर देंगे, वो भी नहीं करा। तो ये जो वादा खिलाफी करी है छत्तीसगढ़ में, जहां पे जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, इनको ऐसा करारा जवाब देगी कि ये कभी भूलेंगे नहीं। और एक बात पे और उठा दूं, कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है और भूपेश बघेल मस्त है। मैं क्यों कहता हूं, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, 10 कार्यकर्ता भाजपा के मारे गए, और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, भूपेश बघेल को, जो कहते हैं छोटी मोटी घटना है। आप मुझे बताइए चित्रा जी, अगर कोई इंसान मारा गया, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे पूछा जाता है सवाल तो आप कहते हैं छोटी मोटी घटना है, इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? इसीलिए जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। तहसीन पुनावाला जी, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी रैली में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल मध्य प्रदेश को एटीएम की तरह हथियार बनाना चाहती है लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर, और बाकी के दोनों राज्यों के भ्रष्टाचार के उदाहरण देख लीजिए कि यहां भी क्या होगा। और भूपेश बघेल को सट्टे को लेकर और महादेव ऐप घोटाले को लेकर तमाम सवालों के बौछार उनके ऊपर किए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देगा, खासतौर से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? नमस्कार चित्रा जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आपको थैंक यू, आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। आज ही दैनिक पेपर के अंदर पूरा वीडियो वायरल हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे सपुत्र किस तरह से 100 करोड़ की बात कर रहे, कितने अकाउंट्स में पैसे जा रहे, वीडियो कॉल हो रहा है, पैसे की बात हो रही, अकाउंट्स की बात हो रही। ईडी, जिसको मैंने आपके शो पे कहा वीडियो बहुत वायरल हुआ, ईडी यानी कि बजरंग दल जाएगी, बजरंग दल वहां पर और तोमर्स जी के बेटे का इंटरोगेशन करेगी। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इंटरोगेशन करेगी, नहीं करेगी। वीडियो वायरल हुआ, उसमें दिख रहा है, वीडियो कॉल कर रहे, करोड़ों रुपए कितने कितने अकाउंट में जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल बनेगा मध्य प्रदेश में, बनेगा तोमर जी के बेटे, और मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम जहां पर 6 लोगों ने आत्महत्या की, माननीय हाईकोर्ट ने कहा वहां पे सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे कमलनाथ जी, चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, 140 सीट, एक नया इतिहास रचने जा रहे। अब आते हैं महादेव ऐप और छत्तीसगढ़ के ऊपर। सबसे पहले ये हवाला से पैसे आ रहे तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? तो सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पकड़ो और आरबीआई को पकड़ो और माननीय प्रधानमंत्री को पकड़ो, ये हवाला कैसे हो रहा है इस मुल्क के अंदर? दूसरी बात, अगर बघेल जी इतने बड़े मास्टरमाइंड है तो वही बघेल जी इतने बोले हैं कि एक फाइव स्टार, रायपुर में 2 5-स्टार होटल है, एक 5-स्टार होटल के बेसमेंट के अंदर लग्जरी गाड़ी के अंदर 500 करोड़ रुपए पाए जाएंगे, जितने भी करोड़ रुपए पाए जाएंगे वहां रखे रहोगे ताकि ईडी आके छापा मारे, जबकि ईडी पूरी तरह से घूम रही है रायपुर के अंदर, उनके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। तीसरी बात, ऐप की प्रोटेक्शन चीफ मिनिस्टर लेकिन इनको क्या मालूम कि छत्तीसगढ़ की जनता ने, और ये इंडिया टीवी के में जो आपका सर्वे हो उसकी बात करो, आज तक का सर्वे जो आप लोगों ने सर्वे किया, पूरी तरह से एक प्रचंड बहुमत देने जा रही है बघेल जी को। ये सारे जो इनके स्टंट से ये सारे फेल हो चुके हैं। एक बात, इतनी बात समाप्त करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सीनियर नेता है। प्रधानमंत्री जी एक ड्राइवर को रैली में कोट कर रहे हैं, ड्राइवर के स्टेटमेंट को, देश के प्रधानमंत्री एक ड्राइवर के स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं एक चुनावी रैली में। प्रधानमंत्री ये नहीं बोल रहे हो छत्तीसगढ़ के लिए क्या करेंगे, ये नहीं बता सकते हो कैसे कांग्रेस से बेटर परफॉर्मेंस करे, ड्राइवर के स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। दोबारा से कह रहा हूँ, देश मूर्ख नहीं है, देश की आवाम मूर्ख नहीं है। उनको लगता है कि बघेल जी पैसे 5-स्टार होटल के बेसमेंट के अंदर रखेंगे। गौरव भाटिया जी, हवाला हो रहा है तो सबसे पहले पूनावाला किन बातों का लब बोलो आप, ये है कि ईडी को अपने हथियार के तौर पर बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जाता है, और नरेंद्र तोमर के बेटे को लेकर भी जो सवाल उनकी ओर से पूछे गए हैं उस पर जवाब आपका, गौरव भाटिया जी।
नहीं, इनकी मानसिकता चित्रा जी यही है, याद रखिएगा, सीबीआई को पिंजरे का तोता किसने बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब भ्रष्टाचारियों को बाज बन के ईडी सीबीआई काटता है तो इनको दर्द होता है, जो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, मैं आपके इस चैनल पे एक बात बताता हूं आपको, क्या ये सत्य नहीं है कि महादेव ऐप, मतलब महादेव जो हमारे लिए इष्ट है, ईश्वर है, उनका नाम भी नहीं छोड़ा, घोटाला कर दिया। जो आरोपी है, जो इस ऐप का मुख्य जो है व्यक्ति है, जो चलाता है प्रमोटर, वो कह रहा है 508 करोड़ रुपया, 508 करोड़ रुपया मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया है। अब मैं तो ये कहूंगा, हमारे साथी हैं यहाँ पे, तहसील तो भाग भाग के कोर्ट जाते हैं, भूपेश बघेल कोर्ट क्यों नहीं चले जाते और कह दें कि ये गलत है भाई, इसको निरस्त करिए। नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि गांधी परिवार की तिजोरी जो भरी गई है वो छत्तीसगढ़ की जनता को लूट के भरी गई है। और अब ये आरोपी का बयान आ गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए, इन्होंने नरेंद्र तोमर जी की बात करी, उन्हीं के ही बेटे ने एक कंप्लेंट दी है मध्य प्रदेश में, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर आप उससे सहमत नहीं है, मैं तो कहूंगा आप हमेशा कूद कूद के कोर्ट जाते हैं, वहां भी जाइए। तीसरी बड़ी बात जो मैं आज कहना चाहूंगा, राजस्थान की करते हैं। देखिए, राजस्थान आज वो प्रदेश है जहां बेरोजगारी दर 26-27% है, बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा। सबसे महंगा पेट्रोल कहां है चित्रा जी? श्री गंगानगर जी, राजस्थान में। सबसे ज्यादा महिला के साथ अत्याचार और रेप के जो केसेस है कहां पे है? राजस्थान में। एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जहां पे उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा स्वयं अशोक गहलोत लगाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां भाजपा है वहां व्यवस्था है, वहां काडर है, नेतृत्व है, जहां कांग्रेस है वहां केवल लूट है, खसोट है। और छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं था, वहां पे पीएससी घोटाला हुआ। आपको मालूम है जो हमारे बच्चे युवा है उनको नौकरी नहीं दी जा रही, नौकरी उनको दी जा रही है जो कांग्रेस के रिश्तेदार हैं, और जो योग्यता वाले बच्चे हैं उनको हटा दिया है। ये भी एक घोटाला वहां हुआ है। ये क्या उत्तर देंगे आपके चैनल पे? धन्यवाद। अब किसकी बातों का ज्यादा असर पड़ेगा जनता के बीच में, इसका फैसला कल से होना शुरू हो जाएगा, जब छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मिजोरम में और आगे आने वाले वक्त में बाकी राज्यों में जब वोटिंग होगी। लेकिन आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जो बातें गौरव भाटिया जी की ओर से कही गई हैं उस पर भी आपसे जवाब मैं चाहूंगी। और दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर, खासतौर से छत्तीसगढ़ को लेकर, ये जो महादेव ऐप घोटाला मामले में वीडियो सामने आए हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये उनके लिए मुश्किलें बड़ी पैदा कर सकता है? क्योंकि बीजेपी इसको लेकर काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी और कल ही 20 सीटों पर वहां पर वोटिंग होनी है। आशुतोष जी, मुझे नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्यों पूरे प्रदेश को छोड़ दिया था। एक तरीके से जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने जितने सर्वे आ रहे हैं, सब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, और हो सकता है ये हार उनकी काफी गहरी हार हो। तो ये जो माधव महादेव ऐप है और इनसे जो ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव के वक्त में इन आरोपों का सिर्फ एक ही मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और भूपेश बघेल और कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा कि राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डोटासरा, उनके बेटों से ईडी पूछताछ कर रही है, जो मुख्यमंत्री है उनके बेटे से पूछताछ कर रही है। जब महाराष्ट्र का चुनाव आता है तब आप देखती कैसे वहां पर जो प्रफुल्ल पटेल है, दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, उनके उनसे पूछताछ की जाती, उनको नोटिस किया जाती कि शरतवार तक को नोटिस दे दी गई, बाद में पता चला ये तो पॉलिटिकली गलत होगा तो हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। तो ये सारी कुछ बहुत बहुत ही टेस्टेड तरकीबें हैं, भ्रष्टाचार के आधार पे नहीं, बल्कि सीधी सी बात यह है कि जो विपक्ष के सबसे मजबूत नेता है उनको किसी तरीके से आप डिस्टेबलाइज करिए, उनका ध्यान भटकाइए, और वो चुनाव प्रचार पर ध्यान न देकर किसी कहीं और जाके फंस जाए। इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2013 विधानसभा के चुनाव जब दिल्ली में हो रहे थे, उसके ठीक 2 या 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा
स्टिंग ऑपरेशन सब आया था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग टिकट ले के लिए जो है वो टिकट के लिए पैसे ले रहे हैं, उसका कोई असर दिखाई पड़ा था चुनाव के अंदर? कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि जनता इन सब चीजों को समझती है कि कौन चुनाव प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है और किस मकसद से किया जा रहा है। लेकिन कई दूसरे राज्यों के उदाहरण आशुतोष जी इस रूप में भी हम देख सकते हैं। कर्नाटका में 40% कट कमीशन का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया, वो काम कर गया और वहां पर बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई और कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। तो करप्शन को भी एक बड़ा हथियार बनाकर चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को घेरने का काम कमलनाथ की ओर से किया जा रहा हो या इन दोनों राज्यों में बीजेपी की ओर से किया जा रहा हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन अब मैं सीधे आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, अब ईडी और सीबीआई अगर इतना ज्यादा एक्शन में इलेक्शन के ठीक पहले आ जाएंगे और महादेव ऐप घोटाला अभी ही क्यों, ये सवाल पलटकर पूछा जाएगा कि अभी इतना ज्यादा एक्शन क्यों? और भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि टाइमिंग पर बात नहीं होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति ने कहा कि हाँ 508 करोड़ जो है वो बेटिंग मनी जो है वो हमने बघेल जी को दिया है, वो क्या उसमें सच्चाई है या नहीं? अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि ऐसा दिल्ली के चुनाव में भी उस समय हुआ था लेकिन इसका असर नहीं पड़ा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और इसका कारण था कि उस समय तक अरविंद केजरीवाल की छवि दागदार नहीं बनी थी। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक था कि ये बहुत पक्के ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आज हमारे मित्र आशुतोष भी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल दागहीन व्यक्ति नहीं है, उन पर दाग है और बड़ा पुख्ता दाग है। जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो संजय सिंह के साथ हो, मनीष सिसोदिया को लेकर के हो, जैन साहब के साथ हो, या अब जो तलवार लटकी हुई है अरविंद केजरीवाल पर, क्या कोई कहने के लिए तैयार है कि आम आदमी पार्टी ने साफ सुथरी राजनीति की है? क्या उसमें पैसे नहीं खाए गए हैं? क्या शीश महल जैसा चीजें नहीं है? और ऐसी चीजें जब लाई जाती हैं तो आपको जरूर चिपकता है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी वो एक दागदार सरकार थी। उसमें भी ये कहा जाता था कि जो बल्लभ जो भवन है वो मूलतः एक जो है वो पैसा वसूलने का एक अड्डा बन गया है। उस समय पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे और कमलनाथ जी के खिलाफ चार्जेस उस समय भी आए थी कि 106 करोड़ रुपया जो है अनअकाउंटेड कैश मनी जो है वो हेराफेरी इधर उधर हुआ था। तो ये बातें जो है वो कांग्रेस पर चिपकती है। देखिए राजनीति में बहुत चीजें जो होती हैं वो परसेप्शन पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चिपक नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आता है, शरद पवार के खिलाफ आता है, ये चीजें चिपक जाती है। और इसमें इसलिए कमलनाथ के खिलाफ, यदि भूपेश बघेल के खिलाफ यदि ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो लोग ये नहीं पूछेगा कि आपने इसी समय क्यों लाया। सवाल यह है कि जब हम खेल रहे होते हैं, हम जब राजनीति की लड़ाई में है, तो ये आप तय हमें नहीं आप बताएंगे कि हम किस समय कौन सी मुद्दे को कहां पर उठा करके लाएंगे। मुद्दा इंपॉर्टेंट है, वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट, विपक्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके आप कहने की ये हकदार नहीं है, आप ये बताने के लिए है कि भाई हाँ इसमें हमने घपला किया है या नहीं घपला किया है। जनता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये आकर के होता है। ठीक है, मैं रशीद किदवई जी से अब ले लेती हूँ। रशीद किदवई जी, आपके पास आते हुए, भ्रष्टाचार को मुद्दा दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों की ओर से बनाया जा रहा है चुनाव में, लेकिन जब आप ग्राउंड पर आएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, चूंकि कई दिन मैं छत्तीसगढ़ में भी रही, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी अलग अलग लोगों से बातचीत करके अलग अलग हिस्सों में उनसे वहां का मिजाज जाना, और अभी मैं मेरी कोटा में इस वक्त मौजूदगी है, जो मेरा अनुभव खुद का कहता है, भ्रष्टाचार एक पीछे मुद्दा आ जाता है आगे। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो लाडली बहना योजना, इसको लेकर लोग अपनी बातें कहेंगे। भूपेश बघेल को लेकर किसानों के समर्थन में जिनकी ओर से ऐलान किया गया, उसका असर दिख जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार को जितने आक्रामक तरीके से ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे के दामन को ज्यादा दागदार बताने की कोशिश कर रही हैं, वास्तव में भ्रष्टाचार इन राज्यों में बड़ा मुद्दा बनकर आएगा और जनता इस पर वोट करने के लिए जाएगी? रशीद किदवई जी, देखिए चित्रा, मुझे लगता है प्रथम दृष्टि में राजनीतिक दल जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। वो केवल इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं तो उनकी बिल्कुल सोच बदल जाती है। देखिए हमारे देश में
एक बहुत ही भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव हो रहे हैं, सबको पता है, मतलब जिसे कहते हैं ना ओपन सीक्रेट कि 40 लाख की पोल सीलिंग है एक्सपेंसेस की और सब लोग उसमें 10 गुना, तमाम राजनीतिक दल जो भी गंभीर लोग चुनाव लड़ रहे हैं मतलब जीतने की दृष्टि से राष्ट्रीय पार्टियों के या क्षेत्रीय दलों के, वो उसमें कम से कम 10 गुना खर्चा कर रहे हैं। 10 गुना खर्चा कहाँ से आ रहा है और इसी के लिए तमाम घोटाले हैं। लेकिन बात की जाती है तो बात की जाती है कि जैसे जो विपक्ष के राजनीतिक दल है या नेता है केवल वो भ्रष्ट है। टाइमिंग की बात करिए, देखिए जो ईडी जो है वो एक बड़ा गंभीर इंस्टीट्यूशन है और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम होती है, कहानी कहलाते हैं, बिल्कुल लगता है जैसे तोता मैना की कहानी लेके आ गए। चुनाव के समय, हर चुनाव के समय मैं एक नया स्कैंडल नया स्कैम सुनता हूँ, वो कहाँ हुआ? जो भगोड़े भाग के गए देश से वो कहाँ, कब वापस आएंगे? वादे देखिए बड़े बड़े किए जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल सजा देने का काम है। अगर कोई मुख्यमंत्री भ्रष्ट है तो उस भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उसको गिरफ्तारी करनी चाहिए। चुनाव में भाषण देना, एक जो जो बड़े पद पे बैठे गंभीर और जिनके पास मतलब सत्ता है जो कर सकते हैं, ये बड़ा बचकाना लगता है। इसीलिए चित्रा जनता पे कोई असर नहीं होता, जनता बिल्कुल उसमें मतलब उसमें कोई अब उसके लेकर के कोई सिंसियरिटी नहीं बची है भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार इसीलिए मुद्दा नहीं बनता और भ्रष्टाचारी तथा कथित भ्रष्टाचारी में कहूंगा वो बार बार आते हैं, फूल पल और पनप रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों में है। ठीक है गौरव भाटिया जी, इस पर जवाब आपका। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी राजनीतिक दल इस पर अपनी गंभीरता नहीं दिखाता है और एक उंगली आप अगर सामने वाले पर उठाएंगे तो तीन खुद पर भी इशारा करेंगी। गौरव भाटिया जी, देखिए मैं बड़े सम्मान पूर्वक एक बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार जुड़वा भाई है। छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, हर बच्चा है बहुत सच्चा, चित्रा जी वो यही कहेगा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2014 में कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई चुनाव, यूपीए क्यों हारा? वो इसलिए हारा, हर कोई जानता था 2G घोटाला, कोलगेट, CWG, जीजा जी घोटाला, जहां कांग्रेस जाती है वहां घोटाला करती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश 2017 याद करिए, क्यों अखिलेश यादव की विदाई हो गई? क्योंकि भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का स्कैम हुआ। 2012 मायावती क्यों चली गई? भ्रष्टाचार मुद्दा था, पत्थर के पार्क बना दिए, हाथी 1-1 करोड़ के लगा दिए, जनता ने रवानगी कर दी। और शीला दीक्षित आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल तो आए इस मुद्दे पे थे और उसके बाद शीला दीक्षित को हराया जनता ने। और हर कोई भारतीय जानता है एक सच्ची पार्टी है, ईमानदार पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। 9.5 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई एक आरोप नहीं लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो आज यहाँ पे हमें चर्चा में लाना चाहिए, घमंडिया का क्या हुआ? अखिलेश यादव का बयान देखिए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस पार्टी, मेरी गलती थी, मैंने यकीन कर लिया। अरविंद केजरीवाल स्वयं गए, उन्होंने कहा कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास ना करना, गारंटी सिर्फ मेरी होती है। तो एक तरफ पूरी तरह से अव्यवस्थित एक दूसरे पे आरोप लगाने वाला जो है दल है, दूसरी तरफ भाजपा है जो एकजुट होके एक विचारधारा पे चुनाव लड़ रहा है। और मैं एक बात और उठा दूं, देखिए राजस्थान की बात हुई, मेरे हाथ में क्या है, ये किसानों का हित करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए में, और मेरे हाथ में क्या है, राजस्थान में 20,000 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन जब्त कर ली, जिनके खिलाफ वारंट आ गए। ये राजस्थान के अशोक गहलोत कहते हैं, वो भी विधानसभा के पटल पर। तो ये सारी बातें मैं आपके चैनल पे इसलिए उजागर कर रहा हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, और अब जनता अपनी ताकत दिखाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी का सूखा साफ होगा। तहसीन पूनावाला जी, इस पर आप जवाब दीजिए, लेकिन जल्दी से एक बात मैं ऐड कर दूं गौरव भाटिया जी आपकी जानकारी के लिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से भ्रष्टाचार के आरोप उस पर नहीं चिपकते, कर्नाटक हमारे सामने एग्जाम्पल है। 40% कमीशन के जो आरोप आपकी सरकार पर कर्नाटका में लगे थे उसके सबसे ज्यादा असर उसी का था गौरव भाटिया जी, तो इस बात को कैसे आप इनकार कर सकते हैं? लेकिन तो इस पर जो आपके आरोप कहता हूँ कि हमारी सरकार वहाँ ईमानदार थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप भी चिपक जाते हैं, और सबसे ज्यादा चिपकते कहा है कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है। तो आप तो मेरी बात को आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है,
तभी तो महादेव ऐप की बात करी मैंने, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर, तभी तो जब वैभव गहलोत को ईडी का समन आता है तो ये चिंताजनक है। थैंक यू चित्रा जी, ये बात बिल्कुल सही कही गौरव भाटिया जी ने कि सबसे ज्यादा बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पे लगते, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। टू जी का आरोप कोर्ट ने किसी इतने लोगों को कन्विक्ट किया जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शून्य। जैसे कोलगेट कुछ हुआ ही नहीं, जैसे जीजा जी रविशंकर प्रसाद जी, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट की नहीं, एक ब्यूरोक्रेट इसलिए कॉन्विक्ट हुआ उसके पास पैसे नहीं थे केस लड़ने के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जीजा जी रॉबर्ट जी के ऊपर। मैं उस वक्त उस दिन में आज तक पर आया था जिस दिन रविशंकर जी प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था मेरे गौरव भाई वो तो मेरा कर्तव्य है, आगे बोलो, मैं तो छाती ठोक के करता हूँ आगे, आपको कोई आपत्ति है चलो मैं आगे बोलता हूँ। उस दिन तो मैं आया था, आज तक कांग्रेस पार्टी छोटी हो गई, जीजा जी बड़े हो गए। अरे भाई देश सबसे बड़ा, मैं अपनी बात रख दूं मेरे भाई, उस दिन तो मैं आज तक के ऊपर आया था, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था मेरे जेब के अंदर सबूत है, क्या हुआ सबूत का, ठीक उतने सबूत जितने प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीरो। अब मैं आता हूँ महत्वपूर्ण बात के ऊपर, गौरव भाई ने इस महादेव ऐप की सब बात की, ये नहीं बताया कि आईटी मिनिस्ट्री ने इसको बैन क्यों नहीं किया, ये नहीं बताया कि हवाला क्यों हो रहा है। मैं दोबारा से एक बात कह रहा हूँ, ये जहां पर भी चित्रा जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा आज भी कहा, जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है, ईडी बजरंग दल की तरह बीजेपी का साथ देने के लिए, काहे पहुंच रही है, क्या होता है उन चुनावों का, क्या होता है उन रिजल्ट्स का। डीके शिव कुमार 90 करोड़ रुपया कैश मिला, कहां है वो, कार्ति चिदम्बरम टेनिस कोर्ट है स्पेन के अंदर, कहां है वो टेनिस कोर्ट, कुछ दिखाती नहीं है। ये जो ईडी हरासमेंट कर रही है, मैं आपके शो पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये पांच राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी चार हारती है, ये ईडी और जितनी एजेंसी है ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि 2024-2019 की तरह नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट गौरव भाई, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, एक अपनी बात में, एक चीज, अगर भ्रष्टाचार के बारे में लोग जानते हैं, एक पार्टी जो सबसे ज्यादा करप्ट है इस देश के अंदर वो है भारतीय झूठी पार्टी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरा पे पकड़े गए पैसा लेते हुए, कैंडिडेट कैमरा पे पैसा दो चंदा लो डिफेंस डील्स लो। तो ये जो पार्टी किसी को हिदायत ना दे, किसी को सलाह ना दे, सिर्फ ये बताए कि देश की उन्नति के लिए 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, इकॉनमी कहाँ है, उस पर बातें करेंगे, सिर्फ कांग्रेस के बारे में गलत कहेंगे, भाजपा इन चुनाव में धन्यवाद। ठीक है, बार बार दावा कर रहे हैं कि राज्य में चुनावी हार होने जा रही है बीजेपी की। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मैं वजह बताता हूँ, एक राजनीतिक परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों गांधी परिवार से आते हैं। दूसरी बात, 3 झूठ आपके कार्यक्रम पे बोले गए, मैं 3 झूठ उजागर करता हूँ, चुनौती देता हूँ तहसील, उसके बाद उसको फैक्ट चेक कर लें। पहली बात, इन्होंने कहा महादेव ऐप को बैन क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको कानून बताता हूं, कानून में स्टेट गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर सकती है, करी नहीं, क्योंकि 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को आ रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर बैन लगाया है, यह आज ही की न्यूज है, पहली बात पढ़ लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई कन्विक्शन नहीं होता है, इनको यह भी नहीं पता है ईडी मैटर्स में 96% कन्विक्शन रेट है और 24 ऐसे मामले हैं जहां कन्विक्शन हुआ है। तीसरी बात, इन्होंने व्यापम की उठाई थी पहले भाग में और इनको यह भी नहीं पता है कि 100 लोग दोषी सिद्ध हुए 100 लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सरकार थी, हमने स्वयं कहा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जो हुई और उसके बाद लोग दोषी सिद्ध हुए। तो 3 गलतियां एक कार्यक्रम में कोई कर सकता है तो जीजा जी का जो है समर्थक ही कर सकता है। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों को आशुतोष जी के पास आते हैं। ठीक है आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए बीजेपी क्यों, ठीक है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर भी बोल, गौरव भाई बोल।
जो मनमोहन सिंह जी ने कार्रवाई की थी उसमें कन्विक्शन हुई, मोदी जी के कार्यकाल में कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, यस वो ऐप अभी बैन हुआ है जब स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट मूव करी, स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट पुलिस ने उस ऐप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दाखिल किया था। आईटी मिनिस्ट्री ने जब काम पहले क्यों नहीं किया, गवर्नमेंट ठीक है ये बातें हो गई हैं, उन बातों को हम रिपीट कर रहे हैं। आशुतोष जी अब आपके पास आते हुए लेकिन ईडी की ओर से पैसों की जो बरामदगी की जा रही है, इस समय मेरे सामने तस्वीरें हैं 3 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें हैं, और ईडी ने बकायदा पैसों की जो बरामदगी की है, इतने ज्यादा पैसे कहां से आते हैं ये सवाल तो पूछा जाएगा। और ईडी कार्रवाई कर रही है, पैसों की बरामदगी कर रही है, तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं ईडी का तो दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं ये सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं नहीं सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी अंधे से भी पूछेंगे कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो बेचारा अंधा भी कहेगा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और कौन पार्टी कर रही कौन सरकार कर रही ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी 5,610 ईडी के केसेस हैं, कितना कन्विक्शन है, 24 केसेस, कितने परसेंट है। गौरव भाई प्लीज, गौरव प्लीज, आपके मामले में नहीं बोलते, आप बोल लीजिएगा, हम भागने वाले थे। चलिए बात पूरी। हाँ, मेरा तो काम ही सवाल पूछना था, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईडी के बारे में 95% केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, सिर्फ 95% केसेस, ये 95% का क्या गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है दावे के साथ गंगा में नहाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, सब राजा हरिश्चंद्र, ये कौन, कोई नहीं बिलीव करेगा इस देश के अंदर, कोई कोई आदमी इसको यकीन करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन हाँ, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल पहले भी होता था, लेकिन पहले 55% अपोजिशन के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल होता था, 45% सत्ता पक्ष के खिलाफ होता, कम से कम कुछ तो प्रोपोर्शन होना चाहिए। आज की तारीख में आप लगभग 95% आप कर रहे हैं, तो ये बात ईडी भी अच्छी तरीके से जानती है, और लोगों के बीच में भी अच्छी तरीके से पता हो गया है कि ईडी के छापे पड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना इसकी वजह से कोई सरकार हारेगी ना कोई सरकार जीतेगी। मैं आपको बताऊं कि 2014 का चुनाव हो रहा था, उस वक्त रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था दामाद का घोटाला और सरकार बनने के 2 महीने के अंदर दामाद जेल के अंदर होंगे, 9.5 साल हो गए, अभी तक दामाद को जेल में नहीं डाल पाए। अब तो क्या कहा जाए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मौके पर इस तरीके के आरोप। गौरव भाटिया जी से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, वरना रह जाएगी। 2 लाइन में गौरव भाटिया जी, क्लोजिंग कॉमेंट, 2 लाइन में क्लोजिंग कॉमेंट। देखिए, मैं आशुतोष जी को हमेशा बड़ा विद्वान व्यक्ति मानता था, लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए, और अच्छा है कि आशुतोष जी के पास ताकत नहीं है कि वो निर्णय ले सके, लेकिन उनको चुनौती देता हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक जजमेंट दिखा दें जहां सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को निरस्त किया हो कि ये गलत कार्रवाई हुई है, 9.5 साल में नहीं दिखा पाएंगे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे का बोलबाला है, लेकिन क्या ये मुद्दा असर करेगा जनता के बीच में, देखना दिलचस्प रहेगा। कल सुबह सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, और आप देखेंगे किस तरह के आंकड़े निकल कर सामने आते हैं, वोटिंग पैटर्न क्या रहता है, जिसके जरिए ये तय हो पाएगा कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। लगातार रहेगी इन खबरों पर आज तक की नजर, दंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।